हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हमारे एक व्यूअर हैं, इनका नाम है हेमंत राजपूत। इन्होंने सवाल किया है कि राम ने 5000 रुपए का माल खरीदा तो इसकी एंट्री हम कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, जहां पर मैं सीधा कंपनी ही बनाने पर आ जाता हूँ, F3 प्रेस करता हूँ। F3 प्रेस करते ही यहाँ पर हम कंपनी क्रिएशन वाले मोड पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टैली प्राइम में F3 प्रेस कीजिए और यहां पर आ जाएंगे हम सीधा कहां पे क्रिएट कंपनी पर। तो एंटर प्रेस कर देता हूं और एक कंपनी बनाने का फॉर्म खुलेगा। यहां पर कंपनी का नाम हम डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दिया है साहिल इंटरप्राइजेस। यू प्रेस कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है, इंडिया हमारी कंट्री है और यहां पर हम डाल देते हैं पिन कोड। तो हमारे देवरिया का जो पिन कोड है वो है 274001। तो ये हमने एंटर किया और फिर एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ गए। ये करेंसी सिंबल है, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, 1 अप्रैल से ही हमारा काम भी शुरू हो रहा हो तो 1 अप्रैल ही रख लेते हैं और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। इतना कर लेने के बाद एक और विंडो ओपन होगी और हमें सीधे कहां आ जाना है, यहां पर आ जाना है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST भी इनेबल कर ही लेते हैं, तो वाई प्रेस कर देता हूं और ये एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ जाएंगे। यहां पर GSTIN नंबर पड़ेगा, ये आपके पैन कार्ड से मिलता जुलता एक नंबर होता है और इसे डाल दीजिए। एंटर प्रेस कीजिए, टैली से वेरीफाई करेगा, मंथली GST फाइल करेंगे हम। ई वे बिल को नो रखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर वाई प्रेस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते ही ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर एंटर प्रेस करके आएंगे तो यहाँ पर रखेंगे टैक्सेबल। टैक्सेबल रखते ही फिर यहाँ पर बाई डिफॉल्ट कितना टैक्स आना चाहिए, तो 28% डाल देता हूँ, मैक्सिमम टैक्स 28% है। तो एंटर प्रेस करेंगे और इसे करा लेंगे अब एक्सेप्ट, ठीक है। और कंट्रोल ए प्रेस करके इस पूरे को मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ। पहली एंट्री पास करनी है, इसके पहले हम गोयल एंड गोयल जो कंपनी खुली हुई है इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ कंपनी पर चले जाएंगे, F3 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर आकर के शट कंपनी पर आ जाएंगे और गोयल एंड गोयल पर जाकर के और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी कंपनी। पहली एंट्री पास करता हूँ, वाउचर में जाता हूँ और F6 प्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि कंपनी में हमें कैश रिसीव करवाना है, तभी हम कुछ सामान खरीद पाएंगे, तभी हमारी कंपनी शुरू हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है और टैली प्राइम में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कर्सर अपने आप क्रिएट पर चला जाता है, अगर कोई लेजर आपने क्रिएट नहीं कर रखा है तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाऊंगा। जैसा कि आपको जानकारी है ही कि जो भी पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ले लिया हमने और ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में। तो यहां से आप कैपिटल अकाउंट ले लीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और एंटरप्रेस कीजिए और एंटरप्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां पर मान लीजिए कि 60,000 रुपए हम लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। एंटरप्रेस किया, यहां पर डेबिट आ रहा है तो कैश को हम कर देंगे डेबिट और एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेता हूं। ये हो गई पहली एंट्री पास, ठीक है। अब फिर वाउचर में आकर के और फिर परचेज वाउचर में जाना है तो F9 प्रेस कर सकते हैं, फंक्शन बटन, ठीक है। यहां पर आ गए, अभी हम आइटम इनवॉइस मोड में है। यहां पर हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर देख सकते हैं यहां पर पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है, तो यहां पर पार्टी का अकाउंट नेम क्या डालेंगे, इन्होंने कहा है राम ने, तो यहां पर राम दे देता हूं और यहां पर सी लिख देता हूं। इट मीन्स टू से कि क्रेडिटर। देखिए टैली प्राइम या टैली जो सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है बिजनेस के पर्पज से, ठीक है। तो यहां पर इसे डाल देंगे सन्डरी क्रेडिटर में, ठीक है। तो ये सन्डरी क्रेडिटर कर दिया, जैसा कि आप बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं कि जो क्रेडिटर पार्टी होगी उसका हम ग्रुप रखेंगे सन्डरी क्रेडिटर। एंटर प्रेस करते हुए और इसे करा लेता हूं एक्सेप्ट, यहां से एक्सेप्ट करा लिया, यहां से भी एंटर 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 प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए और इसे भी एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां पर कर्सर आ चुका है क्रिएट पर, परचेज अकाउंट का लेजर लगा लेना है यहां पर, तो यहां लिख लेता हूं परचेज A/C यानी अकाउंट, एंटर प्रेस करता हूं, इसे डाल दूंगा अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में, इसीलिए P प्रेस करता हूं, परचेज अकाउंट हाईलाइट हो जाएगा, इसे आप ले लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए इसे भी करा लीजिए एक्सेप्ट। अब यहां पर आ चुके हैं हम, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये आइटम इनवॉइस मोड है, ठीक है। अब हमें ये मोड चेंज करना है तो आपको कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है शॉर्टकट की, ठीक है। आइटम इनवॉइस मोड से हमें कहां आना है, बाउचर मोड में आना है, तो एज बाउचर कर देता हूं इसे। अब यहां पर देख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट आने लगा है, ठीक है। तो यहां पर क्रेडिट किसे करेंगे, तो जो क्रेडिटर पार्टी है वही होगी क्रेडिट, ठीक है। तो एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए यहां आ जाइए। कितने रुपए का सामान खरीद रहे हैं ये, तो 5000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं। एंटर प्रेस किया, न्यू रेफरेंस ही रहेगा, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर जैसे ही आएंगे तो परचेज अकाउंट का लेजर आएगा, ठीक है। और आइटम का नेम आप दे सकते हैं, क्या आइटम ये परचेज कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल मैं नहीं देता हूं। और यहां पर कॉस्ट सेंटर ऑप्शन चालू कर रखा है, तो यहां पर दे देता हूं कि इन्होंने क्या खरीदा है। जैसे मान लीजिए इन्होंने खरीदा है एल, क्रिएट पर जाऊंगा और यहां पर दे दूंगा LED, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इसे एक्सेप्ट करा लूंगा, तो ये 5000 रुपए की LED हो गई।
और इस तरह से एंट्री हम पास करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अगर आप जीएसटी देना चाहते हैं तो जीएसटी भी दे सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा। फिलहाल आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।